गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को ईश्वरन द स्टोरी टेलर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ईश्वरन है वो मनगढ़ंत कहानियां बनाना बहुत उसको आता है, और वो थोड़ा फेंकू टाइप का भी इंसान है ना, खूब छोड़ता है इधर उधर भी, लपेटने वालों की कमी नहीं है ना आसपास। तो देखिए, जो ईश्वरन है वो इतना ज़्यादा स्टोरी बनाने में काबिल है कि एक बार उसने ये बताया था कि जिस साइट्स पे महेंद्र काम करता था सुपरवाइज़र के तौर पे, वो जो ज़मीन है वहाँ पे मुर्दे गड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था, इसके आगे का था। अब इतनी ख़तरनाक बात अगर आप किसी से बता दोगे कि भूत मुर्दे गड़े हुए, किसी की लाशें गड़ी हुई हैं इन ज़मीन के नीचे, तो आदमी थोड़ा सा डरेगा तो है ही। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं जानता था पहले दिन से, जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को देखा था, यानी कि एक आदमी के कंकाल की खोपड़ी देखी थी रास्ते में पड़ी हुई। ईश्वर ने बताया महेंद्र को कि मैं पहले दिन से ही जान गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है रास्ते पे पड़ी हुई एक कंकाल की खोपड़ी देखी थी। स्कल मिस होता है खोपड़ी, जो कंकाल की होती है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, और यहाँ तक कि मैं कई हड्डियों से, कई खोपड़ियों से मिल चुका हूँ, कई बार मैंने देखी है यहाँ पर। ईश्वर ने आगे बात बोली, He went to a narrow narrate how he sometimes saw ghost at night. He went on to narrate. वो और narrate करने गया, मतलब और बातें उसने बताई कि how he sometimes saw, कि उसने कैसे कैसे जो है भूतों को रात में देखा है यहाँ पर, means जहाँ पर वो sites पे काम चल रहा है। कौन बता रहा है ये बात? ईश्वरन बता रहा है। अब उसको डरवा रहा है ना, ऐसी बात, मतलब डरा नहीं रहा है, आप ये कह सकते हैं कि वो कहानी बनाने में इतना माहिर था कि ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका जो मालिक है वो डर रहा है। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, मैं आसानी से इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ सर। आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक बहुत ही डरावना भूत था ऑफ अ वूमेन, औरत का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन द मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो मुझे अचानक से दिखाई दिया। कब? जब फुल मून की रात थी, और वो भी आधी रात को, यानी कि मिड नाइट को, आधी रात को, जब पूरी रात थी, यानी चंद्रमा पूरा निकला हुआ था, तब मैंने एक औरत का भूत देखा। इट इज़ अगली क्रिएचर, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, विद मैटर्ड हेयर, उसके जो बाल थे वो जो है वो घुंघराले घुंघराले थे, एंड अ श्रिल फेस, और उसका जो चेहरा था वो भी सूखा जैसा था, मतलब उसके चेहरे पे दरारें पड़ी हुई थी, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग ऑन द फेटस इन हिज आर्म, और अपने बाहों में उसने एक फेटस को पकड़ रखा था। फेटस मिस होता है बच्चा, शिशु, उसने अपने बाहों में एक बच्चे को पकड़ रखा था। महेंद्र शिव एट द डिस्क्रिप्शन, महेन जो है उसके इस वर्णन से बहुत ज़्यादा काँप जाता है, एंड इंटरप्रेटेड रदर शार्पली, और तुरंत ही उसके को बीच में रोक देता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तो पागल हो क्या ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, भूत, प्रेत, आत्मा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब केवल तुम्हारी इमेजिनेशन की एक फिगमेंट है, यानी एक मनगढ़ंत बातें हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले देखो जाके, एंड मे बी योर हेड एज वेल, हमें लगता है कि तुम्हारा जो सर है वो तुम्हारे पेट में आ चुका है, तभी तुम ऐसी बातें कर बेवकूफ़ी भरी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम कैसी बातें कर रहे हो, बकवास बातें कर रहे हो। महेंद्र ने ईश्वरन को ऐसी बात करके डांटा। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात के लिए सोने के लिए चला गया। Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, यानी दो दिन तक ईश्वरन से to sulk, sulk मीन्स होता है बेटा रूठना, दो दिन तक जो है वो
ईश्वरन से रूठा रहा। अब क्या होता है आगे, बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह वह जो है उसने पाया कि जो उसका कुक है यानी जो ईश्वरन है वो बहुत ज़्यादा खुश है और पहले के जैसे ही बातें कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र उसी दिन से फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वो थोड़ा बहादुरी से बात करने लगा। वेंट टू बेड जब वो बेड पे भी जाता था यानी सोने जाता था विद अ सर्टेन अनईजी मीन्स होता है बेचैनी। उसको एक प्रकार की कुछ बेचैनी लगती रहती थी जब वो बेड पे जाता था। कौन? महेंद्र। एवरी नाइट प्रत्येक नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड। पीयर्ड मीन्स होता है बेटा झांकना। प्रत्येक रात वो झांकता था अंधेरे की तरफ देखता था आउटसाइड यानी बाहर की ओर थ्रू द विंडो से नेक्स्ट टू द बेड यानी अपने बेड के पास से खिड़की में से बाहर झांकता था रात को। कौन? महेंद्र। अब उसको बेचैनी हो गई थी, मतलब एक ऐसी कहानी जब उसने सुना दी तब उसके मन में अब बैठ गया है ना, तो हो सकता है भूत ही क्योंकि वो ये तमिल कहानियाँ बहुत पढ़ते थे तमिल की, उसमें एडवेंचर होता था बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता था तो ये वैसी ही बातें बताने लगते थे। भले बात झूठी क्यों ना हो, भले छोटी सी बात क्यों ना हो, लेकिन इतना लंबा चौड़ा खींच खींच के बताते थे। अब देखो यहाँ पे कंकाल की खोपड़ी ओपड़ी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे कम फैक्ट्री है, यहाँ काम चल रहा है, अब हो सकता है कुछ और देखा हो। बस ये बताने ऐसा मतलब बताने लगे कि अब महेंद्र खुद भी डरने लगा है। तो प्रत्येक रात जो है महेंद्र जो है वो अपने बेड पर से खिड़की के बाहर देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर और एकदम श्योर होने के लिए कोशिश करता था दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क कि अंधेरे में किसी भी शेप किसी भी आकार की मूवमेंट नहीं हो रही है इन द विसिनिटी मीन्स उसके समीप आने की यानी उसके पास आने की। अंधेरे में देखता था कि कोई शेप कोई आकार उसकी तरफ बढ़ता तो नहीं चला आ रहा है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ द डार्कनेस विद द ट्विंकल लाइट ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे। लेकिन वो देखता क्या था, केवल ट्विंकल लाइट्स देखता था ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे। ट्विंकल लाइट्स का मीन्स होता है झिलमिल झिलमिल करती हुई लाइट्स को केवल फैक्ट्री को देख पाता था डार्कनेस में। और वो क्या देखता था कि डार्कनेस का समुद्र फैला हुआ है दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा है और जो दिख भी रहा है तो फैक्ट्री की केवल लाइट दिख रही है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। उसको हमेशा से अच्छा लगता था एक ऐसी जगह जो जहाँ पे एकदम मिल्क वाइट जैसा फुल मून निकला हो यानी कि एकदम सफ़ेद चंद्रमा निकला हो और ऐसी रोशनी हो, ऐसा उसे बहुत अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग द ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब से ईश्वरन की स्टोरी को उसने सुना था, उस फीमेल घोस्ट की स्टोरी को सुना था कि एक औरत का भूत जो है जो बच्चा लेके इधर उधर टहलता है, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। अब वो जो है विंडो से बाहर देखना उसने अवॉइड करने लगा था, वो यानी कि अब मारे डर के वो खिड़की के बाहर नहीं देखता था। ऑल टुगेदर When the moon was full, जब चंद्रमा बाहर फुल निकलता था यानी कि पूरा का पूरा निकलता था, यानी जब पहले निकलता था पहले वो खिड़की के बाहर बैठ के जो है बाहर देखता था चंद्रमा को देखता था, लेकिन जब से उसने स्वरण की स्टोरी को सुना उस औरत के भूत वाले को, तब से जो है उसने खिड़की के बाहर देखना भी छोड़ दिया, वो तो इतना ज़्यादा डर गया था। अब आगे क्या होता है आप लोग मत डरिएगा फालतू में, है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को रात में ऐसा कोई भूत मिले, ऐसी कोई औरत मिले जो बच्चा लेकर टहल रही हो, डरिएगा नहीं, ठीक है, एकदम बी ब्रेव, हो सकता है कोई और हो ना। गुड डे।